चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश। आज हम बात करेंगे जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट कब देगा, उसके साथ बात करेंगे जेवियर हेपर्टो का एक्सपेक्टेड काट ऑफ क्या होगा। या तो ये जेवियर हेपर्टो का सबसे भरोसेमंद चैनल है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट कब देगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इसकी ऑफिशियल जानकारी के लिए हम जेवियर हेपर्टो का मेन ऑफिस पर गए थे और ऑफिसर से हमने बात की थी। तो बाद में हमें पता चला है कि जो सीपीओ है, तो राकेश जी से हमें बात हुई, तो राकेश जी ने हमें बताया कि रिजल्ट आपका जो जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट है वो तैयार हो चुके हैं और वो कभी भी अपलोड किया जाएगा, लेकिन जो आपका नौकरी का ऑफिशियल फाइल है उसको मंजूरी मिलने पर ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट दे दिया जाएगा। और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और भी नए नए नौकरी का रिक्रूटमेंट आ सकते हैं, तो अपन 9000 नए नौकरी का रिक्रूटमेंट पोस्ट भी बहुत जल्द ही निकलेगा और उसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो पहले की तरह ही सेम ही रहेगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हमें बात हुई है और सीपीओ राकेश जी ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा और आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, केवल आपका जो नौकरी का फाइल है वो मंजूरी मिलने पर ही आपका जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ ही दिन ही और वेट करना है, लगभग 2 से 7 दिन के अंदर ही आपका जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जेवियर हेपर्टो का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसा हो सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स ऐसा रहते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे चांस है जेवियर हेपर्टो के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख लेते हैं। तो देखिए, जेवियर हेपर्टो का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, अगर आप जेवियर कैंडिडेट है तो आपका परसेंटेज होना चाहिए 75 से 80 के बीच। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका परसेंटेज होना चाहिए 72 से 76 के बीच। अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आपका परसेंटेज होना चाहिए 70 से 74 के बीच। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपका परसेंटेज होना चाहिए 68 से 75 के बीच। तो अगर आपके परसेंटेज ऐसा रहता है तो आपका काफ़ी अच्छी चांस है जेवियर हेपर्टो के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको आखिर में ही बताना चाहता हूँ कि हमने आपका जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट कब देगा और उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए हमने मेन ऑफिस पर गया था और सीपीओ साहब से यानी कि राकेश जी से हमने बात किया है। उन्हें हमें बताया कि जो आपको नौकरी का फाइल उनको मिलते ही और मंजूरी होने पर ही आपका जो रिजल्ट है वो 2 से 7 दिन के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा और आपका जो लंबी इंतज़ार है वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और आपका जो जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट है वो बहुत जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो करीबन 7 महीने से आपका जो जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट है वो नहीं दिया जा रहा था। तो आपको लग रहा होगा कि आपका जो जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट है वो पैसा देकर या किस घटना के चक्कर पर फंस गए हैं और आपका रिजल्ट अब वो पैसा देकर ही हो सकता है और घोटाला के चक्कर में ही आपका रिजल्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल जो जानकारी हमें मिला है सीपीओ साहब उनको हमें मिला है कि उन्हें जो राकेश जी ने हमें बताया वैसे कोई चक्कर नहीं है, आपका रिजल्ट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आपका जो नौकरी का फाइल है वो जब ही मिल जाएगा तभी आपका रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और जो नौकरी का फाइल है वो बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर किसी कारण से आपका जो जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट 2 से 7 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो हम परमिशन लेकर धरना पर भी बैठ जाएंगे, लेकिन इसका नौबत नहीं आएगा क्योंकि सीपीओ साहब यानी कि राकेश जी ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो हमें खबर मिला है तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी ही जेवियर हेपर्टो का रिजल्ट 2 से 7 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। मैं आपके लिए बार बार जो ऑफिस का चक्कर काट रहा हूँ और आपके जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी ही इस महीने जुलाई 2019 पर ही आपको रिजल्ट देने की हर तरह की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और आपके रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए इसके कोशिश भी करूँगा। तो आप ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को अच्छा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखिए और जेवियर हेपर्टो की किसी भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।